रतलाम जिले के कमेड़ ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को वन विभाग के कर्मचारी रेंजर वंदना ठाकुर, डिप्टी रेंजर गोपाल परमार व नाकेदार अनिल चौधरी द्वारा जबरन शासकीय भूमि को अपनी भूमि बताकर ग्रामवासियों को परेशान करने व वाहन रोककर अवैध वसूली करने के संबंध में शिकायत की थी, जिसकी जांच करने वन विभाग के SDO अशोक खानवते ग्राम कमेड़ पहुंचे। शिकायतकर्ता रामेश्वर भाटी, आबिश शाह और अन्य लोगों के बयान लिए गए। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। ग्रामवासियों ने खानवते से चर्चा की और ग्रामवासियों को बिना वजह परेशान न करने पर, तालाब पर जबरन कब्जा न करने की और अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। क्या मामला है? हमारा तालाब रहो सर, तालाब क्या हमारा वन विभाग रहो है, जबकि हमारा सिंचाई विभाग रहो 56-57 पहला रियासत रहा जमा ठाकर साहब रहा जमाना और तालाब हमारा। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है 56-57 नकल है सर, जिला पहला रही हमारा ना सब। SDO भी साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास भी प्रूफ है, तो पूरी तो बता रहे ना साहब, कभी रहो मना करना मंजूर है, काने दी दो काने नहीं दी दो, कभी कभी ठेरा प्रस्ताव यो कई भी हो ये तो हमारे बता रहे सही। अभी जो बताई रहा हमारा नकल सब बताई रहा, अभी हमारा प्रूफ बताई रहा और सिंचाई विभाग थी पुराना रिकॉर्ड तक लियो या कदी दिया हमारा तारा ये बता रहे बलाना का नहीं है तो साहब का नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।